श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। सब बैठ जाओ बेटा। गुरुजी हम दरभंगा से आए हैं, मेरा एक प्रश्न है वो लिख के लाया हूँ। गुरुजी शिवलिंग पर ही दूध चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, क्या उसके जगह हम सभी हिंदू धर्म के लोग गरीब और निसहाय व्यक्ति को दूध पिलाएं, उसमें क्या भगवान शिव प्रसन्न नहीं होंगे? तो गरीब आदमी को दूध पिलाने से मना किसने किया? सर किसी ने नहीं। गुरु जी फिर पिलाओ ना भाई। शंकर जी को दूध कितना चढ़ाता है आदमी, कितना? वो एक लीटर, दो लीटर, एक पाव या एक जरा सा? जी जी जी, है ना जी। शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाना ये आपकी श्रद्धा है। गरीबों को भी भोजन दो, गरीबों को भी दूध पिलाओ, किसने मना किया है? ना तो शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाने को किसी ने मना किया, ना गरीबों को देने के लिए। जो शंकर जी के मंदिर में दूध चढ़ाने जाता है वही व्यक्ति गरीब आदमी मंदिर के बाहर बैठा होता है तो उसे भी कुछ ना कुछ दे करके आता है। तो ये मानसिकता टीवीओं में पिक्चर बना बना के ये घुसा दिया गया कि गरीबों की सेवा करो, शंकर जी को दूध चढ़ाने से क्या लाभ। ठीक है, माना कि गरीबों की सेवा करनी चाहिए, आप भी करते होंगे, हम भी अपने हिसाब से करते हैं। जो लोग पिक्चर बना बना करके करोड़ों कमा लिए उस पिक्चर से, उन्होंने कितनी सेवा की। सेवा करने को कभी किसी ने मना किया है? करना चाहिए गुरु जी। और वो दूध जो है शिवलिंग पर जो चढ़ाते हैं वो पीछे से गटर में होती हो जाती है, तो वो उसे नुकसान नहीं कहेंगे? गटर आज के 100 साल पहले थी? जी नहीं, लेकिन 100 साल पहले भी दूध चढ़ाया जाता था। दूध चढ़ाने का सिद्धांत ये था कि सावन भादो में दूध चढ़ाया जाता था शंकर जी के ऊपर विशेष, और वो सारा जितना भी शिव जी के मंदिर होते थे वो या नदी के किनारे या तालाब के किनारे होते थे, ताकि वो दूध शिव जी के ऊपर चढ़ता हुआ जा करके नदी तालाब में गिरे और वहाँ जो मछलियाँ रहती हैं वो उस दूध का लाभ लें, ये उद्देश्य था पहले का। लेकिन जो नदियाँ थीं वो नाले हो गए, जो तालाब थे वो दूषित हो गए, तो प्रकृति को दूषित हमने किया है। जो व्यवस्थाएं थी वो गलत नहीं थी। मछली को दूध पिलाने की बात थी कि शंकर जी के ऊपर चढ़ता हुआ वो दूध तालाब में जाएगा मछली। मैं इसका उत्तर कथा में दूंगा और अच्छे से। गुरु जी एक प्रश्न और है। जी गुरु जी, मेरे गांव में कथा हो रहा था, जब मैं और मेरे दादी बा दोनों जने कथा सुनने गए मंदिर पे, गांव के घर के ही बगल में हो रहा था। वहां पे कथा संपन्न होने के बाद मेरे दादी ने गुरु जी को चरण स्पर्श करके प्रणाम करना चाहा, तो गुरु जी ने दादी को मना किया। जैसे आप हर माता को गले से लगाते हैं वैसे ही वो गुरु जी ने दादी को गले से लगाया और दादी को ही चरण स्पर्श किया और आशीर्वाद लिए। गुरु जी कल की कथा में यहाँ मैंने ये देखा कि जो ताऊ और बाबा की उम्र के जो एक भक्तजन थे आपको कंठी तुलसी माला आपको अर्पण किए और चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिए, तो उसमें और इसमें गुरु जी अंतर बता दीजिए। ठीक है, एक ही बात है, कोई अलग अलग नहीं है। हमें सबका, जैसे आप आए तो हमने आपका सम्मान किया जी। सबका सम्मान है, सबका आदर और सम्मान सबको करना चाहिए। ठीक है, सबको थोड़ा थोड़ा। बेटा माइक वहाँ ले जाओ, वो बहन को उस तरफ। गुरु जी मेरी भांजी का आशीर्वाद दीजिए। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। चलो उस तरफ माइक ले जाओ, सब थोड़ी थोड़ी माइक ले लो, उस तरफ ले जाओ जी। मेरा एक प्रश्न है। बोलो। आज की कथा में हम सुने हैं जो आप बोले हैं, जो मतलब पहले रोटी गाय की और लास्ट रोटी कुत्ता की, तो कैसे पहले रोटी कुत्ता का क्यों नहीं दे सकते हैं? पहली रोटी का अधिकार गाय का है, आज आखिरी रोटी का अधिकार कुत्ते का है, है ना? वह रोटी मिलनी चाहिए कुत्ते को आपके घर से और गाय को आपके घर से। अब आप हमारे यहाँ परंपरा है पहली रोटी गाय से आखिरी रोटी कुत्ते की, है ना? तो जो परंपराएं हैं उन्हीं को माने, उन्हीं पे चले। उस तरफ ले जाना, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। भैया को दे दो, खड़े हो जाओ।